अगले सवाल में अब ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि दो कार हैं और दोनों कारें एक साथ चल रही हैं, एक शुरू से स्टार्ट हो रही हैं, इकट्ठी एक जगह से स्टार्ट हो रही हैं और एक दूसरे के राइट एंगल यानी समकोण पे चल रही हैं। पढ़ लिया आपने? कहाँ पढ़ा? पढ़ के साइड कर दिया। आगे बताओ क्या लिखा है। एफ एस ही बताओ। एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं तो उनकी स्पीड है एक की 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 48 किलोमीटर पर आवर, और 15 सेकंड के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर चले जाएंगे ये पूछा है। तो अभी तक तो हम सवाल क्या कर रहे थे कि ट्रेन जो है इधर से चली इधर गई या इधर से इधर गई या दोनों सेम साइड में गई या इधर गई किधर गई। अब यहाँ पे सवाल में दे दिया कि वो ऐसे गई, एक इधर गई और एक इधर गई। यहाँ से चली हैं दो गाड़ियाँ, एक इधर गई और एक इधर गई, तो बन गया राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पे समकोण। इधर जाने वाले की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर और इधर जाने वाले की 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये 15 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 15 सेकंड के बाद मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गई और ये वाली यहाँ पहुँच गई, तो इनका डिस्टेंस ये वाला निकालना है। पाइथागोरस याद है? पाइथागोरस में हाइपोटन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, आधार और लंब हैं। निकालते कैसे हैं पता है? एच का स्क्वायर बराबर किसके होता है? बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस आया कितना। इस वाली गाड़ी का निकालते हैं, अगर ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 15 सेकंड चलेगी, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। 36 गुना 15 सेकंड्स हैं ये, और डिस्टेंस जो है किलोमीटर में निकालोगे 36 15 सेकंड में, वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तो जाएगी नहीं, तो मीटर में निकाल लें। 36 को 5/18 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मीटर पर सेकंड में। क्यों हो जाएंगे बात आपको पता है? नहीं पता है? किलोमीटर बटा 1 घंटा, 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा, ये मतलब होता है किलोमीटर पर आवर का। किलो का मतलब होता है 1,000 और घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो गुणा में फिर से 60 करेंगे, तो ये एक एक किलोमीटर के मीटर बन गए 1,000 और घंटे के सेकंड बन गए 60 गुणा 60। 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो, 2 से 2 5 10 और 2 से 2 3 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, 5 ऊपर रह जाएगा, तो बन गया 5/18। 5/18 क्या बनाइए? 5 मीटर 18 सेकंड। 36 गुणा 5/18 कर देंगे, 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 36। कोई नहीं कुछ बोलता, 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10 और 15 के आगे 1 0 लग जाएगी, तो कितने मीटर चलाइए? 150 मीटर। अब ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है? तो ये चला 150 मीटर,
और ये वाला निकाल सकते हो अब कितने मीटर चलेगा, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 15 सेकंड में रिया निकाल के बताओ कितनी दूर जाएगा। टेंशन हो गई, निकालो निकालो। 48 × 5/18 × 15, अभी हमें डिस्टेंस निकालना है कितना है। हाँ ये डिस्टेंस बन जाएगा 5/18 × 48 × 15, 225। हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? तीन छः का 18, 3 × 5 = 15, और 6 × 6 = 48, नहीं सॉरी, 6 6 पे कितना कटेगा ये, 6 है ठीक है, ये 6 से 1 पे नहीं चला जाएगा, और ये तो मैंने इससे काटा है, 3 से काटा है, ये 3 से काटा है, 3 से ये 5 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, इसको और इसको काटा है पहले, 3 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6 8 = 48, 5 × 5 = 25, 25 8 ये कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, हैं ठीक है 200 है, 200 का स्क्वायर कितना होता है, 200 का स्क्वायर करेंगे 4 तो 0 आ जाएंगे, 2 2 = 4, 40,000, और 150 का स्क्वायर 2 2 5 00, बस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 2 5 00, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो 625 250, एच की वैल्यू आ जाएगी 250, ये 200 किलोमीटर गया, मीटर गया, ये 150 मीटर गया, तो ये एच बन जाएगा 250 मीटर। हाँ